हेलो गाइस, आप सभी को इसका किचन पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपके पास फौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम लोग बना रहे छोटी मछली, वो भी सरसों वाली मसलदार। तो इसको क्लीन करने के लिए बीच में कट करें, उसको निकाल दें और इसको अच्छा से क्लीन करें। इसको अच्छा से क्लीन करने के लिए इसमें आटा डालें थोड़ा सा और नमक डालें, और डाल के इसको 5-7 पानी से धोएं। अगर इसके अंदर से अच्छा नहीं निकलेगा तब फ्राई करके जब खाइएगा तो ये तीखापन लगेगा, तो इसलिए आज इसको अंदर का अच्छा से क्लीन कर दें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मसाला मैं तैयार कर रहा हूँ। तो ये मेरा 3 पोट लहसुन है, इसको छील लिया हूँ अच्छा से। इसमें 2 इंच का ये अदरक है, इसको काट लेंगे। इसमें 2 चम्मच सरसों डालेंगे। अब इसको अच्छा से ग्राइंडिंग कर लेंगे, ग्राइंडिंग करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये मेरा ग्राइंडिंग हो गया। अब इसमें मिक्स करेंगे हल्दी और जीरा मिर्च का पाउडर। इसमें 1 चम्मच, बड़ा चम्मच से 1 चम्मच जीरा मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें ग्राइंडिंग किया हुआ मसाला डालेंगे इसको फ्राई करने के लिए। तो इसमें 2 चम्मच डालेंगे। इसमें स्वादानुसार नमक डालें। अब इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई को बैठा दिया है, इसको पूरा हीट करेंगे। ये कढ़ाई पूरा अच्छा से गर्म हो गया है, इसमें अब ऑयल डालेंगे। तो मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें मछली डालेंगे। इसको 2-2 मिनट के बाद इसको चलाते रहें, इसको पलट दें। इसको एक साइड में पक गया है, इसको हर 2-2 मिनट के बाद इसको पलटते रहें। तो मेरा फ्राई हो गया, अब इसको निकाल लेंगे। तो मेरा मछली फ्राई हो गया है। अब इसको मसाला बनाने के लिए, इसमें तड़का लगाने के लिए, इसमें 2 रेड मिर्च है, 2 तेज़पात है, 2 इलायची है, 4 लौंग के कली है, थोड़ा सा जीरा मिर्च है और थोड़ा कड़ी लीप्स है। इसको तड़का लगाने के लिए इसमें डाल देंगे। ये जो मेरा मसाला बचा हुआ था अभी इसको इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा से मसाले को पकाएंगे। इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच फ्राई में डाले थे और 1/2 चम्मच एक ग्रेवी में डालेंगे। इसको 2-2 मिनट पे चलाते रहें ताकि मेरा मसाला जले ना। जब मसाला अच्छा से पक जाएगा तो जितना भी इसमें ऑयल है सब ऊपर आ जाएगा। जो मेरा मसाला है वो अच्छा से पक गया है, तो अभी ऑयल ऊपर नहीं आया है। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए आप समझिए कि मेरा मसाला अच्छा से पक गया है। इसको चलाते रहें। तो ये मेरा मसाला अच्छा से भुना गया है और इसका ऑयल भी बाहर निकल गया है और अब चिपक भी नहीं रहा है। ये इसका ये है कि ये मसाला अच्छा से पक गया है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये 2 कटा हुआ टमाटर है, इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा इसको चलाएंगे 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद इसमें करेंगे।
पानी ऐड करेंगे। इसको 2 मिनट चलाएं अच्छा से, और टमाटर मेरा गल जाए। इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डालें, आप गाढ़ा खाना चाहते हैं तो पानी कम डालें और पतला खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें। तो मेरे मसाला में बॉयल आ गया, अब इसमें मैं मछली फ्राई वाला डाल दूंगा और डालने के बाद 5 मिनट लो फ्लेम पर इसको पका। ये मेरा छोटी मछली बन के तैयार हो गया है और बहुत मज़ेदार भी बना हुआ है। तब इसको खा के चेक करेंगे कि कैसा टेस्ट आ रहा है इसमें, तो देखते हैं इसको। वैसे भी छोटी मछली का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, तो थोड़ा टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, मस्त लग रहा है यार खा के। ये टमाटर नहीं पका है ना, इसको खाने में बहुत मज़ा लगेगा। तो आप जब बनाए तो टमाटर पूरा अच्छा से गलाए नहीं, थोड़ा थोड़ा छोड़ दें, ताकि खाने में बहुत मज़ा आता है, इसको टेस्ट आता है।